वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बहुत अच्छे हैं। और ईयर एंड होने ही वाला है, कल से न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एडवांस हैप्पी न्यू ईयर सभी को मैं बोल दे रही हूँ और आई होप ये ईयर आप सभी का बहुत बहुत अच्छे तरह से जाए। आज मैं वही एक मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। देख लीजिए, आज मैं ये मेकअप लुक क्रिएट की हूँ माइक्लैम के सारे प्रोडक्ट्स के हेल्प से। तो ये मेकअप लुक वन ब्रांड मेकअप लुक होने वाला है, तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगी किस तरह से आज मैं ये लुक क्रिएट की हूँ। और 31st नाइट भी है आज और बहुत सारे लोग पार्टी करेंगे और कल से न्यू ईयर भी स्टार्ट होने वाला है, तो सभी लोग कहीं ना कहीं पार्टी करने जा रहे हैं। तो मैं सोची आप लोगों के साथ मैं एक मेकअप लुक शेयर कर देती हूँ। और ये मेकअप लुक देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है और बहुत अच्छे तरह से ये मेकअप लुक क्रिएट हुआ है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए ये लुक आपको कैसा लगा। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, मेरा नाम है पूजा, तो इस चैनल पे मैं ब्यूटी से रिलेटेड सारे ही वीडियोस देती रहती हूँ। और वीडियो अच्छा लगने से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पास वाला बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ आज मैं ये लुक किस तरह से क्रिएट की हूँ। लेट्स गो। सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी एपिलो का एलोवेरा जेल, क्योंकि मेरे पास कोई प्राइमर या फिर मॉइस्चराइजर नहीं है माइग्लैम का। तो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ माइग्लैम का ही फाउंडेशन। मेरा सेट है रिफ्रेश और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। ये कलर मुझे थोड़ा सा मेरे स्किन टोन से डार्क लग रहा था, बट इसका कवरेज मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये एक ऑयल फ्री फाउंडेशन है, तो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा एक फाउंडेशन है। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ माइग्लैम का ही रेडिएंट मैट कॉम्पैक्ट। ये कॉम्पैक्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अप्लाई करने के बाद जितना ये मैट भी होता है उसके साथ थोड़ा सा रेडिएंट ग्लो भी मिलता है आपको, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ माइग्लैम का ही लिप बाम। ये लिप बाम में थोड़ा सा पिंक का हिंट है और बहुत अच्छा एक लिप बाम है। और मुझे लिप बाम ऐसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है सब ब्रांड का ही। और नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ माइग्लैम का ही एक है आईलाइनर पेंसिल। सो इससे ही आज मैं आईलाइनर ड्रॉ करूँगी और थोड़ा सा मैं विंक आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि ये मेकअप मैं 31st नाइट के लिए कर रही हूँ, इसलिए मैं आईज़ को थोड़ा सा ड्रामेटिक रख रही हूँ। तो दोनों ही आईज़ को मैं थोड़ा सा विंग आईलाइनर कर रही हूँ और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास कोई भी काजल नहीं है माइग्लैम का, इसलिए मैं इस आईलाइनर पेंसिल की हेल्प से ही पूरा आई मेकअप कंप्लीट की हूँ। नेक्स्ट मैं ब्लश के लिए भी अप्लाई कर रही हूँ एक रेड लिपस्टिक, उसे मैं अपने चीक बोन पे देके अच्छे तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी, बट क्योंकि ये लिक्विड लिपस्टिक है बहुत जल्दी से इसे ब्लेंड करना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्टोर के लिए भी मैं एक ब्राउन शेड ही लूँगी, उससे मैं फुल ऑल ओवर फेस पे कॉन्टोर कर लूँगी। मेरे पास कोई भी फेस पैलेट नहीं है माइग्लैम का, इसीलिए मैं सारे ही लिपस्टिक से ब्लश और कॉन्टोर कर रही हूँ। और क्योंकि मैं एक वन ब्रांड मेकअप कर रही हूँ, इसलिए सारे ही प्रोडक्ट इसमें मैं माइग्लैम का ही रखना चाहती थी। तो उसके बाद अच्छे तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ माइग्लैम का ही लिक्विड लिपस्टिक, इसका सेट है डीएम स्लाइट। मुझे बहुत पसंद है ये कलर, ये थोड़ा सा मेरून रेड कलर है। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ माइग्लैम का ही मस्कारा, ये भी बहुत अच्छा एक मस्कारा है, ये आईलैशेस को बहुत अच्छे तरह से वॉल्यूम दे देते हैं। और मैं अपने आईलैशेस के नीचे पे भी मैं दे रही हूँ मस्कारा के हेल्प से ही, मैं अपने आईब्रोज को अच्छे तरह से फिल कर लूँगी। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी माइग्लैम के केप्ले का हाइलाइटर। अपने फेस पे मैं अपने हाई फॉरहेड्स पे मैं ये हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। अपने चीक बोन पे, नोज़ पे, फोरहेड पे मैं अच्छी तरह से इसे अप्लाई कर लूँगी।
नेक्स्ट मैं अपने आईज के कॉर्नर पे मैं यही हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ ताकि आई मेकअप और भी अच्छा लगे। और देख लीजिए ये है फाइनल लुक। मेकअप ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए और आप लोग भी ट्राई करके देखिए। और आज का ये दिन बहुत अच्छे तरह से सभी लोग एंजॉय कीजिए और सेफली रहिए। कोविड का टाइम भी है, अच्छे तरह से प्रिकॉशन भी लीजिए और मेरे चैनल पे वीडियोस देखते रहिए। मैं वीडियोस बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।